तो हेलो गाइस, माय नेम इज जय किशन। फिलहाल इस प्राइम डे सेल में हमने मंगा लिया एक स्मार्टफोन, ये रियलमी नार्जो 70 प्रो मोबाइल है और इसका जो कीमत है ऑलमोस्ट 22,000 रुपये। ठीक है, फटाफट से इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। इसका रैम रोम की बात करें तो 8128 नहीं है भाई, 8256 हमने मंगाया है। चलो भाई 1000 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं, लेकिन 256 GB तो स्टोरेज मिलेगा ना भाई, आप सोच सकते हो। इसलिए मैंने 1000 रुपये ना देखते हुए एक्स्ट्रा दे करके 256 GB वाला वेरियंट ले चुका हूँ। अब चलिए फटाफट इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, दिखाते हैं आपको कैसा रहता है और जो भी मेरा होनेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा, जो भी मतलब एक्चुअल में ये जैसा मोबाइल रहेगा, मैं आपको जरूर से शेयर करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल बारिश आ रहा है क्या आपकी इधर? बारिश आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट में बताओ, क्योंकि हमारी इधर बहुत ज़्यादा बारिश आ रहा है। अभी बारिश ही आ रहा है फिर भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करो फटाफट से और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। हम चलते हैं फटाफट से इसका अनबॉक्सिंग करने। तो गाइस बॉक्स की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से हमको बॉक्स देखने को मिलता है और जो है पैकेज काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिलता है। तो चलिए फटाफट से हम कट कर लेते हैं इसको और निकालते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलता है। तो गाइस इसके अंदर सिंपल आपको एक बॉक्स देखने को मिलता है और इसको मैं कट करूँ यहाँ से, अगर टेप इस पर लगा हुआ है अमेजन प्राइम का, ये प्राइम डे सेल चल रहा था उसी में हमने मंगाया है तो ठीक है। और यहाँ पर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से हमको बॉक्स देखने को मिलता है और बॉक्स जो है काफ़ी मतलब सुंदर और काफ़ी तगड़ा लग रहा है देखने में, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ। और गाइस बिल पे प्राइस की बात करें तो 16,748 रुपये टोटल इसका प्राइस है। और यहाँ पर आप लोग 16,748 रुपये क्यों लिख रहा है आप लोग, इसका मैं मतलब सोल्यूशन बताता हूँ। इस मोबाइल को हमने एक्सचेंज किया है और ये मोबाइल लिया है, इसका एक्सचेंज जो मतलब काफ़ी स्मूथ और काफ़ी तगड़ा रहा। जो एक्सचेंज वाला बंदा आया था, आप लोगों को पता होगा मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग मतलब बेसिकली क्लिप कुछ शो करने की कोशिश करूंगा, जो एक्सचेंज वाला बंदा आया था उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था, तो मैंने उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके और उसका जो स्टेप है वो कंप्लीट करवाया। उसके बाद फाइनली उस मोबाइल को उसने ले लिया और उस मोबाइल में ना थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम भी था, मतलब जैसे मोबाइल होता ना साइड में हल्का सा कॉर्नर पर वो फूटा हुआ था, लेकिन मैंने अपना कंडीशन जो है नो स्क्रेच नो मतलब डेंट एकदम मस्त कंडीशन मैंने डाला था, कोई भी फूटा वगैरह नहीं डाला था, फिर भी हल्का सा क्रैक था, लेकिन वो बंदा लेकर चला गया क्योंकि मतलब मैं उसको थोड़ा सा समझा दिया, जो बोला कि चलो भाई ले लो चलता है इतना, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो कुछ इस तरह से अपना बॉक्स देखने को मिलता है और यहाँ पर देख सकते हो नार्जो 70 प्रो 5G लिखा हुआ है। और इस साइड की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो नार्जो 70 प्रो 5G लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ आपको चीज़ें भी देखने को मिलता है, फ्लैगशिप सोनी का IMX890 OIS कैमरा देखने को मिलता है, 120Hz का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, डायमेंसिटी 7050 आपको 5G चिपसेट देखने को मिलता है और डुअल टच ग्लास डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है जो कि काफ़ी तगड़ा है। और यहाँ पर देख सकते हो इसका रैम रोम की बात करें तो 8256 GB है, तो काफ़ी अच्छी बात है 8256 हमने जानबूझ कर लिया, 1000 रुपये एक्स्ट्रा दे करके लिया, आप लोगों को शुरू में ही बता चुका हूँ। तो चलिए फटाफट इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। और गाइस इस साइड की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो स्कैन QR कोड टू नार्जो ज्वाइन क्लब ऐसा कुछ लिखा हुआ है और 6 महीने का आपको फ्री जो है एक्स्ट्रा एक्सटेंड वारंटी मिलेगा, मैं क्लेम कर लूँगा बाद में अगर आप बोलोगे तो उसके ऊपर वीडियो बना दिया जाएगा। और गाइस इस मैन्युफैक्चर की बात करें इस डिवाइस का, तो यहाँ पर देख सकते हो April 2024 का है और यहाँ पर एक स्टीकर भी लगा है, न्यू आइटम यानी कि ये जो मतलब प्रोडक्ट है वो हाल ही फिलहाल में मतलब बना हुआ है, असेंबल वगैरह हुआ होगा इसलिए ऐसा कुछ आपको लिखा देखने को मिल रहा है। तो चलिए फटाफट इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और कुछ इस तरह से आपको सिंपली कट कर लेना है और अनबॉक्सिंग करने का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी आपको नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलेगा। मेरे कोई नहीं, कोई भी अनबॉक्स करेगा तो उसको काफ़ी अच्छा सा मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ से मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो अपना जो प्लास्टिक है मैंने निकाल लिया है, कुछ इस तरह से आपको बॉक्स देखने को मिलता है। तो वैसे मैंने बॉक्स दिखा लिया, यहाँ पर सील लगा हुआ है, फटाफट से हम सील को भी कट कर लेते हैं। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लोग कंजूसी कर रहे हो, आप लोगों को लाइक ज़रूर से करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि भाई काफ़ी महंगा फ़ोन है और सेम टू सेम एक इसमें का और फ़ोन आने वाला है, ठीक है। उसके लिए भी अगर आप चाहोगे तो इसमें का जो सेकेंड कलर है दूसरा कलर वाला उसका भी अनबॉक्सिंग जल्दी अपने चैनल पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह को बॉक्स देखने को मिलता है, इसको स्कैन करो, 6 महीने का आपको एक्स्ट्रा जो है वारंटी आपको देखने को मिलेगा इसको स्कैन करोगे तो। और इसके अंदर की बात करें क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलता है, तो सिंपली इसको हमने ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद इसके अंदर कुछ भी नहीं है और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिलता है। यहाँ पर देख सकते हो सिम इंजेक्टर टूल आपको देखने को मिलता है जो कि काफ़ी छोटा सा काफ़ी प्यारा सा है, अच्छा सा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको पुस्तकें भी मिलता है, ये कोई काम का नहीं है आप लोगों को पता होगा। उसके बाद यहाँ पर सिलिकॉन आपको केस मिलता है नॉर्मल सा, मतलब ये काफ़ी नॉर्मल एकदम सिंपल सी बात करें तो। उसके बाद यहाँ पर आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है और इसके अंदर आपको चार्जर भी देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। मोबाइल को थोड़ा देर के लिए मैं साइड में रखता हूँ और देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो इसका जो है डाटा केबल देखने को मिलता है और डाटा केबल काफ़ी मोटा है, ठीक है। फास्ट चार्जिंग के लिए मोटा डाटा केबल ही इंपॉर्टेंट है और ज़रूरत भी है, तो इसके लिए से मतलब अच्छा खासा दिया गया है, इसको भी हम साइड में रखते हैं। और चार्जर की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो 67 वाट का आपको चार्जर देखने को मिलता है जो कि मतलब ठीक है, काफ़ी अच्छा सा है, यहाँ पर देख सकते हो और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखा है, आप इसको चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो।
चलिए इसको भी मैं साइड में रखता हूँ और फटाफट से आते हैं हम फोन पे, उसके बाद फोन को हम बूट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए गाइस फटाफट से मोबाइल को बाहर निकालते हैं। तो गाइस देख सकते हो मोबाइल का जो साइन है मतलब काफ़ी आपको तगड़ा लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हो लिखा है नार्जो बाय रियलमी, यहाँ पर एक स्टिकर चिपकाया गया है जो कि यहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। कैमरा की बात करते हैं, यहाँ पर काफ़ी आपको बड़ा कैमरा देखने को मिलता है और यहाँ पर OIS कैमरा लिखा हुआ है और मतलब काफ़ी सही लग रहा है। और साइड की बात करें तो काफ़ी आपको चमकदार और काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, बिल्कुल आईफोन वाले की जैसा, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पर मतलब ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। शायद से ये स्पीकर होगा, मेरे हिसाब से काफ़ी मतलब छोटा दिया गया है और यहाँ पर नॉइज़ कैंसिलेशन है। हेडफोन जैक आपको देखने को मिलता है, इस साइड से बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर देख सकते हो सपाट है। और इस साइड की बात करें तो यहाँ पर सिम ट्रे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर चार्जर जैक देखने को मिलता है, यहाँ पर स्पीकर देखने को मिलता है। और ये जो मोबाइल है थोड़ा सा ये कर्व नहीं दिया गया, ठीक है, इसको हाथ में ये चुभ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप इसको ऐसा पकड़ते हो लॉन्ग टर्म तक तो हो सकता है आपके हाथों में निशान वगैरह आ जाए। और मैं जब जस्ट मोबाइल को अनबॉक्स किया हूँ तो यह काफ़ी मतलब ये चुभ रहा है और काफ़ी अजीब सा मतलब फीलिंग आ रहा है, लेकिन ठीक है, मतलब ये साइन काफ़ी तगड़ा कर रहा है, ठीक है। चलिए फटाफट इसको हम बूट करते हैं। अगर आपने वीडियो को फिर से बोल रहा हूँ लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट फटाफट से सब्सक्राइब करो। हम मोबाइल को फटाफट से सेटअप करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसका कैमरा वगैरह कैसा है और इसका बेसिकली परफॉर्मेंस वगैरह कैसा है। इसके ऊपर रिव्यू वीडियो चाहिए तो फटाफट से आप लोग कमेंट करो, उसका रिव्यू वीडियो मैं जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो अपना जो डिवाइस है वो फिलहाल चालू हो चुका है। और आप इस सेल में कौन सा फ़ोन लिए हो फटाफट से कमेंट कर दो, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते फिर मेरे को प्रॉब्लम होता है वीडियो वगैरह शूट करने में। तो यहाँ पर देख सकते हो अपना मोबाइल जो चालू हो चुका है, फटाफट से इसको हम सेटअप करते हैं और देन आपको दिखाते हैं। तो गाइस फिलहाल अपना जो मोबाइल है बूट हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी आपको नीट एंड क्लीन देखने को मिलता है। ब्लॉटवेयर आपको ना के बराबर देखने को मिलता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलता है जैसे स्नैपचैट वगैरह हो गया, रियलमी स्टोर हो गया, ये नहीं होना चाहिए, ओवर रोमिंग हो गया, ये नहीं होता। अगर सेटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें रहता तो काफ़ी अच्छा रहता। गेम सेंटर वगैरह देखने को मिलता है, फाइन डिवाइस मिलता है, रियलमी कम्युनिटी मिलता है, यहाँ पर क्लोन फोन वगैरह मिलता है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको यूजेबल नहीं होगा, लेकिन आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। शायद से ये रियलमी वाला जो है ये अनइंस्टॉल होना चाहिए, लेकिन अब पता नहीं है, अनइंस्टॉल है एक ऑप्शन। तो यहाँ पर मतलब जो काम का नहीं है आपको फटाफट से अनइंस्टॉल कर देना, क्योंकि आप अनइंस्टॉल कर दोगे ना उससे आपका मोबाइल जो काफ़ी मतलब ये खाली हो जाएगा स्पेस आपका, जो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मेरे को अभी देखने को मिला, डायरेक्टली इसमें अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। मैं जैसे कि इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ एप्लीकेशन के अंदर आपने देखा होगा कि अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे कि इसको मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन ऐप इन्फॉर्मेशन में जाऊँ फिर यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर अनइंस्टॉल का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन आप ज़बरदस्ती छोड़ना मत, सारे अकात बकात एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना। और गाइस आउट ऑफ द बॉक्स आपको क्या मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सेटिंग पर गया, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अभी मैंने कोई भी अपडेट वगैरह कुछ भी नहीं किया, इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं किया, अभी जस्ट मोबाइल को बूट किया हूँ। तो Realme UI आपको देखने को मिलता है, Realme UI 5.0 और डिवाइस नेम देख सकते हो नार्जो 70 प्रो 5G लिखा हुआ है। आपको 256GB में 22.4GB आपको फ्री देखने को मिलता है। मॉडल की बात करो यहाँ पर देख सकते हो प्रोसेसर जो है मीडियक डायमेंसिटी 1750 आपको देखने को मिलता है। बैटरी 5000mAh। स्क्रीन की बात करें तो 16.94 सेंटीमीटर का आपको देखने को मिलता है। रैम जो है 8GB है और 4GB वर्चुअल रैम है। ये वर्चुअल रैम आपको मतलब गिमिक है, ये मतलब कोई काम का नहीं, ठीक है। और फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल, रियर कैमरा 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, ठीक है। एंड्रॉइड 14 आपको देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप अपने 14 का यूज़ कर सकते हो। सिक्योरिटी पैच की बात करें तो 5 फरवरी 2024 को आपको देखने को मिलता है। तो गाइस चलिए इस कैमरा के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, कैमरा आप कैसा देखने को मिलता है। तो कैमरा हमने ओपन किया तो यहाँ पर देख सकते हो ये वीडियो रिकॉर्डिंग में आ गया। इसके ऊपर आपको 4K 30fps का मैक्सिमम देखने को मिलता है। 1080p की बात करें तो 1080p 60fps आपको देखने को मिलता है, और 720 में भी आपको 30fps और 60fps ही देखने को मिलता है। तो आप इसे नॉर्मली मतलब 1080p 30fps में और 1080p 60fps में वीडियो शूट कर सकते हो। 4K में आपको उतना मतलब आप सोच लो मतलब क्या ही बताएं, 4K 30 है मैक्सिमम। और यहाँ पर स्टेबलाइजेशन वगैरह आपको देखने को मिलता है, अल्ट्रा स्टेडी मोड ही हो चुका है। आपका जो मोबाइल मतलब ऐसे हिलेगा तो मतलब स्टेबल आपको वीडियो शूट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और सेटिंग की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो वाटरमार्क बहुत सारे चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। इसके ऊपर इन डेप्थ वीडियो बनाया जा सकता है अगर आप लोग बोलोगे तो। यहाँ पर हाई एफिशिएंसी वीडियो भी दिया गया है, HEVC कोडेक में आपको देखने को मिलता है। और भी कुछ सारे चीज़ें इस तरह से आपको देखने को मिलता है। स्ट्रीट आपको मोड देखने को मिलता है 16mm 24mm और यहाँ पर 48mm, ठीक है। तो ये बस 1x 2x और वाइड एंगल वाला चीज़ है, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर खास। नाइट मोड आपको देखने को मिलता है, नाइट मोड में थोड़ा सा आपको जो है कैमरा अच्छा देखने को आपको मिलेगा। और यहाँ पर फोटोज़ में देख सकते हो पोर्ट्रेट मोड आपको देखने को मिलता है। मोर की बात करें तो यहाँ पर इतने सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, प्रो पैनोरमा मोड, हाई रेज, माइक्रो भी मिलता है आपको, फिल्म मोड, स्लो मोशन। और स्लो मोशन की बात करें तो यहाँ पर 120fps 240fps आपको देखने को मिलता है, 720 240fps और 1080p 120fps देखने को मिलता है। जैसे मैं 240p किया तो यहाँ पर 720p में ये चला जाके है। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से है, आपको टाइम लेफ्ट भी देखने को मिलता है, लॉन्ग एक्सपोजर, डुअल व्यू भी मिलता है, आगे वाला कैमरा और पीछे वाला कैमरा दोनों का दोनों चालू हो गया। और देख सकते हो कुछ इस तरह से कैमरा वगैरह मतलब ठीक आ रहा है, डिसेंट आ रहा है, आप इसके प्राइस के हिसाब से ख़राब नहीं, काफ़ी अच्छा है।
तो आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो। और टेक्स्ट स्कैनर भी आपको मिलता है, ग्रुप फोटोज वगैरह मिलता है और टिल स्टिप मिलता है। और गाइस फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर वीडियो के अंदर आपको 1080p 30fps मैक्सिमम देखने को मिलता है और 720p 30fps मैक्सिमम देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर स्ट्रीट मोड फ्रंट में आपको देखने को नहीं मिलता है। मैं इसको फ्रंट कैमरा चालू करता हूँ। फोटोज़ की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से। इसका क्लिक करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो ये सारे चीज़ आपको देखने को मिलता है। सेटिंग की बात करें तो वही सारे चीज़ आपको सेटिंग मतलब जो नॉर्मल आपको देखने को मिलता है वही। यहाँ पर ब्यूटी आप मतलब देख सकते हो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसमें काफ़ी गोरा गोरा दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में उतना गोरा है नहीं, मेरे काफ़ी इसमें मतलब अच्छा दिख रहा है। और आपको अगर सोशल मीडिया फोटो वगैरह पोस्ट करना है तो इससे आप फोटो शूट कर सकते हो और काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह। तो गाइस ओवरऑल ये मोबाइल मुझे काफ़ी ठीक लगा, आप इसको चाहो तो बाय कर सकते हो। अगर आपको 17 से 18 हज़ार रुपये के आसपास में ये डिवाइस मिल रहा है और ये 256 GB वाला वेरियंट तो मैंने सेल में काफ़ी सस्ता मंगा लिया है। अगर आप भी सेल वगैरह में मतलब देखते हो सस्ता मिल जाए तो आप लोग ले सकते हो। बाकी इसका कैमरा वगैरह मतलब ठीक लगा मुझे, इसका डिज़ाइन वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग पर्सनली यूज़ करोगे तो ये सारी चीज़ आपको पता चलेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हीटिंग वगैरह का इशू देखने को मिलेगा। अभी तक मैंने इसको यूज़ किया, हीटिंग वगैरह मेरे को देखने को ज़्यादा नहीं मिला, मतलब ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा चल रहा है मोबाइल अभी तक तो सही है। कैमरा वगैरह भी इसका सही है, फ्रंट कैमरा भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। प्राइस के हिसाब से क्या ही आप मतलब एक्सपेक्ट करोगे, मतलब अराउंड 20K के अंदर आपको ये फ़ोन देखने वाला है। तो 20K के अंदर के हिसाब से कैमरा आपको बेस्ट देखने को मिलता है। तो गाइस आप लोग को पता होगा इस मोबाइल को हमने एक्सचेंज करके मंगाया और काफ़ी हमने सस्ते मंगा लिया है, तो ठीक है। बाकी आई होप कि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी चैनल पर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, क्योंकि इसमें का जो येलो कलर वाला मोबाइल है जो गोल्डन कलर वाला है ना उसको भी हमने ऑर्डर कर दिया है और वो मोबाइल जल्दी डिलीवर होने वाला है। मैं अपने लिए नहीं मंगा रहा हूँ भाई, अपने लिए दो क्यों मंगाऊंगा, एक अपने दोस्त के लिए मंगा रहा हूँ। उसका अनबॉक्सिंग मेरे चैनल पर देखने को आपको मिलेगा और उसमें सेम टू सेम मोबाइल होगा बस लेकिन उसका कलर अलग होगा, तो वो आपको मैं बता सकूंगा कि वो कैसा मोबाइल दिखता है और कैसा एक्चुअली में है। तो इसके ऊपर कोई भी वीडियो बनाना होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से बताना मैसेज करके, या फिर आप लोग कमेंट में बता सकते हो। तो चलो ठीक है, बाकी वीडियो का लाइक वगैरह कर देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।